खबर है पीएम मोदी की जनता कर्फ्यू का। झारखंड के विधायकों ने किया स्वागत, कहा करेंगे सहयोग। दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों से रविवार को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया है। इसके बाद झारखंड के विधायकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जानकारी के अनुसार विधायक अमित मंडल ने कहा, कोरोना वायरस एक गंभीर समस्या है। इस मॉडल के फैलने के 3 से 4 हफ्ते के बाद इस बीमारी का पता चलता है। ऐसे में हमें पहले से ही सचेत रहने की ज़रूरत है। इस मामले पर केंद्र सरकार गंभीर है। वहीं उन्होंने कहा, झारखंड की आपदा प्रबंधन विभाग में भी 200 करोड़ रुपये की राशि जमा है, जिसे झारखंड सरकार कोरोना से लड़ने के लिए उपयोग में ला सकती है। वही विधायक इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री की जनता कर्फ्यू का विरोध करते हुए कहा कि किस बात का कर्फ्यू, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम फेल है। साथ ही कहा कि झारखंड कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर है जनता कर्फ्यू में रेलवे ने बदला टिकट वापसी का नियम। दोस्तों, 22 मार्च दिन रविवार को जनता कर्फ्यू के कारण रेलवे ने अधिकांश ट्रेनें रद्द कर दी है। यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए टिकट वापसी के नियम भी बदले गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना वायरस के कारण 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है। इस दिन रेलवे ने भी अपनी ओर से पहल करते हुए लगभग सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। रद्द ट्रेनों के बीच रेल मंत्रालय द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि रेलवे स्थानों पर टिकट रिफंड करने हेतु अतिरिक्त भीड़ ना हो, इसलिए टिकट वापसी के नियम में सहूलियत दी गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 21 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 की अवधि के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को यदि अपनी यात्रा का टिकट रद्द करवाना है तो वे नए नियम के तहत टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। यात्री अब नए नियमों के अनुसार अपनी यात्रा दिनांक से 45 दिनों के भीतर अपने टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह नियम टिकट रिफंड करने हेतु 3 दिन यानी कि 72 घंटे का था। नियम में बदलाव केवल स्टेशन के लिए काउंटर टिकट के लिए ही किए गए हैं। ऑनलाइन एवं ई टिकट के लिए नियम पूर्ववत रहेगा। खबर है राज्य के 2 सबसे बड़े एक्सपर्ट्स बोले, भ्रम तोड़िए चिकन मटन खाएं, लेकिन नशा करने वालों को खतरा ज़्यादा। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर शुक्रवार को टेली काउंसलिंग की। इस दौरान राज्य भर से लोगों ने कोरोना से जुड़े सवाल पूछे। इनके जवाब रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर डीके सिंह और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने दिए। दोनों ने रविवार को देश में लगने वाले जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की। साथ ही लोगों को विश्वास दिलाया कि कर्फ्यू सफल बनाकर कोरोना की साइकिल चेन रोक सकते हैं। वहीं उन्होंने लोगों को संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई और भीड़भाड़ जैसे हॉस्पिटल होटल जैसे जगहों पर न जाने की अपील की। पूरे देश में रविवार को लगने वाले जनता कर्फ्यू के दौरान जब लोग 14 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर फैलने वाले वायरस का चक्र टूट जाएगा और संक्रमण बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा। इस प्रक्रिया को स्पेन और इटली में अपनाया जा चुका है, वहां इससे काफ़ी राहत मिली है। ऐसे में जनता कर्फ्यू कोरोना की जंग में हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। खबर है कोल्हान यूनिवर्सिटी ने स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर बीएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित की। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय केयू की ओर से संचालित हो रहे सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर कुशुक्ला मोहंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय के सभी बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान MHRD के निदेश व PM नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन को ध्यान में रखते हुए स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर व बीएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखने का फैसला लिया है। कहा गया है कि इन परीक्षाओं में करीब 10,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। हर केंद्र पर 1 से 1.5 हज़ार परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से कोरोना का असर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का एक जगह जुटना सही नहीं है। विश्वविद्यालय ने 23 मार्च से शुरू होने वाली MBBS की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। खबर है भारत में जियो का 4G इंटरनेट सबसे तेज स्पीड में एयरटेल वोडाफोन को छोड़ा पीछे। दोस्तों, दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 4G स्पीड के मामले में अन्य दूरसंचार कंपनियों को पछाड़ते हुए अपनी बादशाहत को लगातार बरकरार रखा है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा फरवरी के लिए प्रकाशित औसत 4G डाउनलोड स्पीड के आंकड़ों में रिलायंस जियो ने एक बार फिर बाजी मार ली है। जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 21.5 MBPS रही और वह लगातार 26 महीने से स्पीड के मामले में सबसे तेज 4G नेटवर्क बना हुआ है। जियो की 4G स्पीड एयरटेल और वोडाफोन से 2.5 गुना, आइडिया से 3 गुना से भी अधिक नापी गई। ट्राई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में भारतीय एयरटेल के प्रदर्शन में मामूली सुधार देखा गया। एयरटेल की औसत 4G डाउनलोड स्पीड जनवरी में 7.9 MBPS के मुकाबले फरवरी में 8.0 MBPS रही। जियो के मुकाबले एयरटेल की स्पीड 2.5 गुना कम है। हालांकि वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर ने अपने कारोबार का विलय कर लिया है और अब वोडाफोन आइडिया के रूप में काम कर रहे हैं और पर ट्राई दोनों आंकड़े अलग अलग दिखाए हैं। वोडाफोन नेटवर्क की औसत 4G डाउनलोड स्पीड में भी मामूली सुधार रहा। फरवरी माह में वोडाफोन की स्पीड एयरटेल के बराबर 8 MBPS रही, जो कि रिलायंस जियो के मुकाबले लगभग 2.5 गुना कम है। जनवरी में वोडाफोन की 4G डाउनलोड स्पीड 7.6 MBPS मापी गई थी।